अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, विलासचंदा रोड में खुश आमदीद। दोस्तों, काफ़ी लोग मुझसे ये पूछते हैं कि आप येंगो पे काम क्यों नहीं करते, येंगो पे काम क्या करें, येंगो पे काफ़ी फ़ायदा है, आप सिर्फ इन ड्राइवर ही चलाते हैं। तो इसका आज दोस्तों मैं आपको जवाब बता देता हूँ कि मैं येंगो पे काम क्यों नहीं कर पाता। दोस्तों, इसका सबसे पहला जो रीज़न है वो ये है कि येंगो जो है वो, क्योंकि मैं पार्ट टाइम काम करता हूँ, सुबह कोई और काम करता हूँ, तो मुझे येंगो ऐप जो है वो सूट नहीं करती। सूट क्यों नहीं करती, क्योंकि उसमें ड्रॉप ऑफ शो नहीं होता, पता नहीं चलता कि मैंने कहाँ लेके जानी है राइड, कितने में लेके जानी है। ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि मुझे पता हो कि मैंने राइड जो लेके जानी है वो कहाँ लेके जानी है, क्योंकि मेरे पास टाइम जो है वो लिमिटेड होता है 4 से 5 घंटे। तो इस वजह से दोस्तों मैं येंगो पे काम नहीं कर पाता, वो मुझे सूट नहीं करती। दूसरा दोस्तों रीज़न है इसमें के अंदर ही मैंने बता दिया कि उसमें ड्रॉप अप शो नहीं करता, मैं अनकंफर्टेबल फील करता हूँ जब भी कोई राइड आती है, पता ही नहीं होता कि बंदे ने कहाँ जाना है। फर्ज करें मैं इस्लामाबाद में G10 में हूँ और मुझे अगर राजा बाज़ार की राइड मिल जाए तो आप खुद सोचें कि कितना टाइम लग जाएगा, आधा टाइम तो मेरा उधर ही गुजर जाएगा। या फिर अगर DHA बैरिया टाउन फेसेट की राइड मिल जाए तो मेरे 2-3 घंटे तो उधर ही ज़ाया हो जाएंगे, और फेयर भी इतना कोई ख़ास नहीं मिलता, 30-40% ऑफ होता है, तो उसका भी आप खुद सोचें, बोनस भी इतना कोई ख़ास नहीं देते। तो तीसरा जो रीज़न है वो ये है कि येंगो की जो ऐप है वो हैवी ऐप है। क्या पता लोगों के मोबाइल में सही चल रही हो, 4 GB के फ़ोन में वैसे सही ऐप रन करनी चाहिए, लेकिन मेरे मोबाइल में काफ़ी ज़्यादा ऐप्स हैं, तो इस वजह से मेरे फ़ोन में वो इतनी अच्छी नहीं चल पाती, क्योंकि ऐप काफ़ी हैवी है, 115 या 120 MB की ऐप है। तो ये मेरे ख़्याल में इसके लिए कम से कम 6 GB का फ़ोन चाहिए, तब जाके कोई सही काम करेगी। तीसरा दोस्तों रीज़न ये है कि मैं मेरे फ़ोन में जो है वो ऐप सही काम नहीं करती, बार बार फ़ोन हैंग हो जाता है तो मैं काफ़ी डिस्टर्ब होता हूँ, इस वजह से मैंने फिर अनइंस्टॉल ही कर दिया है। और चौथा रीज़न दोस्तों ये हो सकता है कि मैं चलाता था येंगो पे, काम मैंने किया है, काफ़ी टाइम मैंने काम किया है, उस पर दोस्तों ये था कि उन्होंने अचानक से मेरी आईडी जो है वो डॉक्यूमेंट चेक कर दिए। मैंने जब उस पर डॉक्यूमेंट अपलोड किए तो दोबारा वो डॉक्यूमेंट्स मेरे रिजेक्ट हो गए, फिर मैंने अपलोड किए, फिर 2-3 दिन बाद फिर उन्होंने वो रिजेक्ट कर दिए। पता नहीं क्या मसला है उन लोगों को क्या था, तो बार बार अपलोडिंग के बाद भी वो जो है मेरे डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो रहे थे। फिर मैंने येंगो ऐप ही मैंने इंस्टॉल कर दी। फिर येंगो वालों का फ़ोन भी आया था कि आप येंगो पे काम क्यों नहीं करते ये वो। मैंने कहा आप एक तो आपकी ऐप काफ़ी हैवी है, फ़ोन में काफ़ी मसला कर रही है, दूसरा आप बार बार डॉक्यूमेंट भी रिजेक्ट कर रहे हैं, और उनका जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने का भी प्रोसेस थोड़ा सा लंबा था, तो इस वजह से तंग हो के मैंने फिर ऐप ही अनइंस्टॉल कर दिया। तो ये सारी दोस्तों रीज़न है मैंने आपको बता दिया, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो मेरे चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।